हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी यहाँ पे लोन डिफॉल्ट कर चुके हो कोई भी, और ऐसे में आपको इमरजेंसी आ चुकी है लोन की, और अगर आपका सिविल कम है, ऐसे केस में अगर आप लोन लेना चाहते हो अपने केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में, तो आज मैं ऐसी तीन बेस्ट कंपनियां बताऊंगा जिनसे आप बहुत ही कम सिविल और घटिया सिविल पे भी पर्सनल लोन लेने जा सकते हैं। और ये एप्लीकेशन अभी वर्किंग है, और यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा इन एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनसे खुद लोन लिया है, वो भी बहुत ही कम सिविल स्कोर पे, और मैं आपको सिविल स्कोर भी अपना दिखाऊंगा। अगर आपको भी लोन की जरूरत हो तो आप इन एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि लोन तभी लें जब आपको इमरजेंसी हो, और छोटे मोटे खर्चों के लिए लोन जितना हो सके इग्नोर करें दोस्तों, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलती हैं, और अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों के पास कॉल मैसेजेस आ सकते हैं बहुत टाइम पे, बहुत केसेस में ये लोग थ्रेटन मैसेज भी दे सकते हैं, तो इसीलिए आप जितना हो सके अवॉइड करें। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है, आपको कोई काम नहीं चलता, ऐसे केसेस में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लोन अप्लाई करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, और आज के इस वीडियो में जितनी भी एप्लीकेशन मैं बताऊंगा वो सारी NBFC रजिस्टर्ड होंगी, RBI से अप्रूव्ड होंगी, बिल्कुल आप उनमें ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी लोन का पैसा स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, या किसी भी ऐसी ऐप पे मत लगा देना जिसमें आप फंस जाओ बाद में, क्योंकि ऐसे भी आज के टाइम पे लोग ट्रैप में फंस रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी एप्लीकेशन बताऊं, तो चलते हैं स्क्रीन पे और शेयर करते हैं दोस्तों तीनों एप्लीकेशंस की यहाँ पे डिटेल्स। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको ये परमिशन है इसको आपको अलाउ करना होगा दोस्तों, अलाउ करने के बाद एक्सेप्ट करना होगा, और ये चीज़ें करने के बाद आपको अगले प्रोसेस पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे अगला प्रोसेस है जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों जो कोड आएगा उसको यहाँ पे डाल करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 25,00,000 रुपये तक की क्रेडिट लाइन देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे गेट फर्स्ट लोन पे आपको क्लिक करना है। और ये लोन दोस्तों केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में मिल रहा है, कोई भी ज़्यादा सिविल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एक भी % का डाउट आपको मन में नहीं रहेगा कि मुझे इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और अपने टेलीग्राम पर भी लिंक दे दूंगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना जिसमें आपको मंथली इनकम डालना है, फिर आपको अपना लोन का पर्पज़ सेलेक्ट करना है कि किस लिए आप लोन को लेना चाहते हैं, वो पर्पज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है रेफरेंस का, मान लो कि आपका कॉल नहीं लगा जब कंपनी का, आपने अगर लोन नहीं चुकाया कॉल नहीं लगा, तो ऐसे केसेस में कंपनी आपके इस रेफरेंस नंबर पे कॉल कर सकती है। इसके बाद पैन नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एक बार आपको अपनी डिटेल कन्फर्म कर लेना है, और कन्फर्म एंड कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम कंफर्म एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है जिसमें आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, कोड आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो डालना है। बट एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसे केसेस में अनेबल टू कंप्लीट आधार वेरीफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट बैक और एक सेल्फी अपलोड करेंगे दोस्तों आधार कार्ड के साथ, और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको आपकी डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है कि सही है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है लोन मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेल्फी, आपकी डिटेल रहेगी, इसको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करें और क्लिक करके कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, जैसे कि बैंक का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे एक कर्सर बना होगा, एक एरो बना होगा, उस पर क्लिक करना है, और आपको अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसके नीचे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है और अपना IFSC कोड यहाँ पे डाल करके चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको लिमिट मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं 2,000 रुपये से लेके 4,000 के बीच में हम कोई भी लोन अमाउंट ले सकते हैं, और अगर आप 4,000 का लोन ले लेते हैं 30 दिन के लिए तो आपको 4,719 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों कि आपको 719 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बल्कि आप ये भी देखो कि 4,000 रुपये के लोन में
आपके खाते में कितने आएंगे, तो आपके खाते में आएंगे 3,480 रुपये, मतलब बोल सकते हैं 520 रुपये ये कंपनी ने चार्ज काट के आपके खाते में डाला है। उसके बाद उसके ऊपर से 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, मतलब 4,000 रुपये के लोन में आप कह सकते हैं कि आपको 1,200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्लस या माइनस के बटन पे क्लिक करके, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और आज हम यहाँ पे 2,000 रुपये का लोन लेके दिखाएंगे, हालांकि इतना ज़्यादा चार्जेस है तो यहाँ पे मेरा लेने का मन नहीं है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इतने चार्जेस में आपको भी बहुत ही सोच समझ के लोन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना चार्जेस आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो 6,000 रुपये के लोन में 780 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी ली जा रही है, 5,220 रुपये अकाउंट में आएंगे, 30 दिन का टाइम मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट देखेंगे 36% है, जो कि सिर्फ 178 रुपये होता है, बट वहीं पे अगर आप सर्विस चार्ज देखेंगे तो 900 रुपये सर्विस चार्ज आपसे ली जा रही है। मतलब आप ये देख लें कि 900 रुपये सर्विस चार्ज और 780 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, ये दो जो चार्जेस है ना वो कितने ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ नाम मात्र का ही होता है दोस्तों, सिर्फ 178 रुपये इंटरेस्ट रेट है, बट जो अदर चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। इस पे आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताएं मेरे को कि आपका क्या कहना है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर्ड है, RBI से अप्रूव्ड है, और ये एप्लीकेशन बहुत समय से चल रही है प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता ऐसी एप्लीकेशन में, और ऐसी एप्लीकेशन लोगों की मजबूरी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग पहले कोशिश करें कि आप अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड से ले सकें, क्योंकि एप्लीकेशन आपको लोन तो दे देती है लेकिन ये लोन भारी पड़ जाता है आप लोगों को, और ऐसे केसेस में दिक्कतें भी हो आ जाती हैं, क्योंकि 30 दिन का यहाँ पे टाइम मिल रहा है, सिर्फ 30 दिन के टाइम में इतना ज़्यादा चार्ज लग रहा है। फिर भी अगर लोग इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो उनका यहाँ पे प्रस्पेक्टिव है, वो उनका यहाँ पे डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूँ कि इसमें कितने चार्जेस हैं। तो अगर हम 2,000 रुपये का भी लोन लेते हैं ना, तो 2,000 रुपये के लोन में भी हमें 600 रुपये चार्ज यहाँ पे तकरीबन तकरीबन लग रहा है, तो 550 रुपये चार्ज लग रहा है। तो मैं इस लोन को क्यों लूँगा जब मेरी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाएंगी। तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक गेट कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कोड डाल देना है, और आपका ये पैसा अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे एक लोन एग्रीमेंट का ऑप्शन भी है, जिसमें आप लोन एग्रीमेंट भी पढ़ सकते हो, बट वो लोन एग्रीमेंट जो है आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। फिर भी अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको और भी अच्छी एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप डिस्बर्सल लेना चाहते हैं तो कन्फर्म फॉर डिस्बर्सल करना है, ये पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लोन लिया हुआ था 12 अक्टूबर के दिन 2,206 रुपये, देख सकते हो लोन। मैं आपको ट्रांजेक्शन में दिखा देता हूँ, 12 अक्टूबर 2024 को हमने लोन लिया था 2,206 रुपये का, जिसमें से मुझे 697 रुपये ही पे करने हैं। अब इसके पीछे आप सोच रहे होगे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2,200 जो है वो 6 रुपये यहाँ पे हमने लोन लिया, टोटल लोन था 2,500 रुपये का, हमने अप्लाई करा, हमारे अकाउंट में आए 2,206 रुपये, और यहाँ पे 1,955 रुपये यहाँ पे हमारे क्रेडिट के थ्रू पेमेंट हो गया। अब ये कौन सी क्रेडिट है वो आप लोग को समझा देता हूँ। दोस्तों जब आप मेरे लिंक से यहाँ पे इसमें लोन लेंगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, और मुझे यहाँ पे 150 रुपये मिलेंगे। अब इस पैसे का मैं यूज़ कहाँ कर सकता हूँ, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं यूज़ कर सकता हूँ लोन चुकाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1,444,060 रुपये कमाए थे, जिसमें ये मेरे लोन में एडजस्ट हो चुका है, जिसमें मैंने 4,455 रुपये यूज़ भी कर लिए हैं, ठीक है। 5 रुपये बचा है जो कि अभी मेरे बोनस बैलेंस में दिख रहा है। अब मैं इस पैसे का यूज़ करूँगा लोन पेमेंट करने के लिए, तो ये बेनिफिट मुझे इस कंपनी में मिल जाता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों ब्रांच, और मैं सिर्फ यहाँ पे 697 पेमेंट करूँगा तो मैं और लोन यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो दूसरी कंपनी मैंने बताई है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसका जो नाम है वो है ब्रांच, आप इसको ट्राई कर सकते हो, उसको अपडेट भी मैं कर लेता हूँ, मैंने अपडेट अभी नहीं करा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरी लोन एप्लीकेशन पे। दोस्तों तीसरी एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे ट्रू बैलेंस, ट्रू बैलेंस का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
आप इस एप्लीकेशन से यहाँ पे 5,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 5,000 मिनिमम लोन अमाउंट है, मैक्सिमम 1,25,000 रुपये का लोन अमाउंट है। इसमें आपको 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का समय यहाँ पे मिल जाता है और आप इनमें से कोई भी लोन यहाँ पे ले सकते हो। आपको दो लोन ऑप्शन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन जिसमें आप 1,000 से 5,000 रुपये तक का पहला लोन ले सकते हैं, वहीं पे आप कैश लोन भी ले सकते हैं 5,000 रुपये से लेकर के पूरे पूरे 1,25,000 रुपये का। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे दे दिया है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियोस भी डाले थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।